नमस्कार दोस्तों, जी नाइन कार एडवाइस की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज आपके सामने है ऑल न्यू मारुति सुजुकी स्विफ्ट। ये स्विफ्ट का VXI पेट्रोल वर्जन है। आज आपको इसका हम फ्यूल रिव्यू देंगे कि गाड़ी का कैसा क्या आपको इंटीरियर एक्सटीरियर मिलता है और क्या माइलेज देती है, पूरा हम आपको इसके इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए मैं आपको इसको वॉकराउंड करवा देता हूँ। सबसे पहले ये इस तरह का लुक, साइड लुक है इसके का। रियर लुक की बात करें तो इस प्रकार से मिल जाता है आपको, बहुत ही बढ़िया लुक मिल जाता है इसमें आपको। सामने से बात करें तो इस तरह का लुक मिल जाता है आपको स्विफ्ट में, ये इस प्रकार से। चलिए गाड़ी के अंदर चलकर देखते हैं कि इंटीरियर दिखा देता हूँ मैं आपको। ये पूरा ब्लैक इंटीरियर मिल जाता है इसमें आपको। ये एसी वेंट्स पूरा ब्लैक इंटीरियर के साथ में गाड़ी दे रखी है आपको। इसका स्पीडोमीटर टेकोमीटर के साथ, ये एसी नॉब्स, गियर नॉब्स, तो ब्लैक इंटीरियर दे रखा है, ग्लव बॉक्स इस तरह से। ये बाहर से इंस्टॉल करवा रखा है रियर कैमरा। ये गेट की बात करें, इसमें 1 लीटर का वाटर लिनल मिल जाएगा आपको, ये क्रोम के साथ। डोर चारों पावर विंडो दे रखे हैं। ये आप इस और भी हम एडजस्ट करने के लिए अंदर से बटन दे रखा है इसमें। इस तरह का पूरा लुक रहता है अंदर से। चलिए पीछे से दिखा देता हूँ आपको। रियर सीट पे चलते हैं। रियर सीट में बहुत अच्छा स्पेस दे रखा है इसमें। पूरी गाड़ी में आपको ब्लैक इंटीरियर मिलता है इसमें। इसके डोर में 1/2 लीटर की बोतल आ सकती है, 1 लीटर की नहीं आ सकती। इसमें भी पावर विंडो मिलते हैं आपको, चारों पावर विंडो के साथ। पीछे से इस तरह का डैशबोर्ड दिखता है इसका स्विफ्ट का। स्पेस की बात करें तो बहुत बढ़िया स्पेस दे रखा है इसमें। ये देखिए इतना आपको स्पेस मिल जाता है स्विफ्ट में, वह आसानी से बैठ सकते हैं। हेडरूम की बात करें तो इतना मिल जाता है आपको। हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल नहीं मिलते रियर वाले। स्पेस की बात करें तो काफी स्पेस मिल जाता है इसमें, 3 बंदे आसानी से बैठ सकते हैं इसमें। चलिए मैं गाड़ी को बूट स्पेस बता देता हूँ आपको। बूट खोलने के लिए आपको यहाँ स्विच दे रखा है। ये देखिए बहुत ही अच्छा से बूट स्पेस मिल जाता है। इसके स्पेयर व्हील की बात करें तो इसमें आपको ₹165/18R14 14 इंच का आपको टायर मिल जाता है इसमें स्टील व्हील के साथ। ये इधर आपको जैक वगैरह पाने वगैरह मिल जाते हैं। ये आपको एक हैंकर दे रखा है, कुछ भी आप सामान टांग सकते हैं इसमें। लाइट नहीं दे रखी है आपको। ये ट्रे दे रखी है आपको इसमें कंपनी फिटेड। चलिए बूट को बंद कर देते हैं। सुजुकी का लोगो, स्विफ्ट की बेचिंग। ये रियर कैमरा बाहर से इंस्टॉल करवा रखा है। सेंसर कंपनी फिटेड है। इस तरह का टेल लैम्प मिल जाता है आपको। रूप एंटीना कंपनी फिटेड मिल जाता है आपको। ब्रेक लाइट ये बाहर से इंस्टॉल करवा रखी है एसेसरीज। इसके टायर साइज की बात करें तो इसमें भी 165/18R14 14 इंच के टायर मिल जाते हैं। ORVM की बात करें तो वाइट ORVM मिल जाते हैं आपको, टर्न इंडिकेटर के साथ में। ये ऑटो फोल्डेबल नहीं है, इसको आपको मैन्युअली फोल्डेबल करना पड़ेगा।
ये आपको एलोजन हेडलैम्प मिल जाता है, फोग लाइट बाहर से इंस्टॉल करवा रखे, ये आपको पूरी ब्लैक ग्रिल मिल जाती है सुजुकी के लोगो के साथ में। ओवरऑल इस प्रकार का लुक दे रखा है गाड़ी का। इसकी अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 163 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है आपको। चलिए इसका हुड खोल लेते हैं, इसका इंजन दिखा देते हैं आपको। इसका इंजन है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन BS6 अप्लायंसेस के साथ में। हाँ दोस्तों, ये BS6 वर्जन है स्विफ्ट का। चलिए बंद कर देते हैं बोनट को। इसका जो माइलेज देता है 22 के आसपास कंपनी क्लेम करती है, बाकी सिटी में 18-19 के आसपास और हाईवे पर 20-21 के आसपास आराम से निकाल लेती है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।